Hello friends, welcome to our tutorials. Now today topic is how to change the pick box size. हमें जो पिक बॉक्स है उसका अगर साइज चेंज करना हो तो हम कैसे करेंगे। जो आपको ये स्क्रीन पर क्रॉस हेयर दिखाई दे रहा है, जो ये मूव कर रहा है स्क्रीन के ऊपर, इसके जो बीच में एक रेक्टेंगल है, एक स्क्वेयर बना हुआ है, इसका साइज हम कैसे चेंज करेंगे ये हम देखेंगे। आपको स्टार्टिंग में जब आप ऑटोकैड स्टार्ट करते हो तो आपको ऐसी स्क्रीन दिखाई देती है। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, होम, इंसर्ट, एनोटेट, पैरामेट्रिक व्यू, मैनेज आउटपुट, एडिंग A360 एक्सपेक्ट टू फीचर टू ETC। देन हम यहाँ पर व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, तो यहाँ पर एक आपको इंटरफेस का ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर हम यहाँ कोने के ऊपर एरो का एक सिंबल लगा हुआ है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें भी काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, फाइल्स ओपन, फाइल्स डिस्प्ले, ओपन एंड से, अपलोड एंड पब्लिश, सिस्टम, यूजर प्रेफरेंस, ड्राफ्टिंग, 3D मॉडलिंग, सिलेक्शन, प्रोफाइल, ऑनलाइन। देन हम यहाँ पर सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है पिक बॉक्स साइज। ये वही पिक बॉक्स साइज है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसका हम साइज बढ़ा सकते हैं और हम इतना भी इसका कम कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो हमने इसका साइज बढ़ा दिया और अब अप्लाई किया और ओके किया। अब आप स्क्रीन के ऊपर देखोगे जो ये क्रॉस हेयर अब जो मूव कर रहा है स्क्रीन के ऊपर, इसके जो बीच में स्क्वायर बना हुआ है इसका साइज बढ़ गया है। अगर इसका साइज वापस कम करना हो तो हम क्या करेंगे, दोबारा वहीं पर जाएंगे और सिलेक्शन, और यहाँ पर हम इसका साइज कम कर लेंगे और अप्लाई और ओके। थैंक यू फ्रेंड्स, फॉर मोर वीडियोज प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू अगेन।